गणपति बप्पा मोरिया लंबोदराय वे तुभ्यम सर्वोदर गताय चा अमायने चाय मायाया आधाराय नमो नमः। गणपति जी आज विराज रहे चहूं ओर, दो साल बाद उत्सव मनाने का, महोत्सव मनाने का मौका मिला। आप देख रहे हैं खबर भारत की प्रस्तुति, मैं आपके साथ क्रांति प्रिया। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं। कुछ लोग हमारे साथ कलाकार हैं, तो कुछ पंडित जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि भाई शुभ मुहूर्त क्या है, कब हम गणपति जी को अपने घर में लेकर आ सकते हैं। तो वहीं कुछ हम मूर्तिकारों से भी चर्चा करने वाले हैं। जो श्लोक अभी मैंने पढ़ा उसका भावार्थ तो बता दूं आपको, तुम लंबोदर हो, सबके पेट में जठर रूप में निवास करते हो, तुम किसी का भ्रम काम नहीं करता और तुम ही माया के आधार हो, तुमको बार बार नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं, गणपति जी का नाम लेते हैं और शुरुआत करते हैं हम उनसे जिन्हें गढ़ते हैं हमारे मूर्तिकार, यानी आपको लिए चलते हैं सरदारपुर और वहां पर नरेंद्र जो है हमारे संवाददाता खबर भारत के, वो चर्चा करने वाले हमारे साथ आप देख सकते हैं जुड़ेंगे सुषमा साकले जी जो कि कलाकार हैं, पूजा नीतीश जी भी जुड़ेंगी, वो भी हमारे साथ आप देख सकते हैं लाइव है, और शुभम दुबे जी पंडित जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि कब वो सही समय होगा जब हम गन्नू भैया को अपने घर में लेकर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। फिलहाल तो हम मूर्तिकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र, जिनसे चर्चा करने वाले हैं, हम उनसे अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र आप जहां पर हैं उनका, उन मूर्तिकार का नाम भी बता दीजिए, वो क्षेत्र भी बता दीजिए और आप उनसे चर्चा कीजिए कि दो साल बाद जब जिंदगी पटरी पर आ गई है तो अब क्या स्थिति है उन लोगों की। जी बिल्कुल नरेंद्र, ये जानना बहुत जरूरी है कि चूंकि जब दो साल हमने बिताए तो हमने जाना उनके दर्द को भी, मूर्तिकारों की मैं बात करना चाह रही हूँ, आप उनसे कुछ सवाल रखिए। इस बार कितनी फीट की मूर्ति तैयार की गई है और अगर ये देखा जाए कि क्या इस बार आर्थिक स्थिति ठीक हो सकेगी। इस बार कितने फीट की मूर्ति आपके द्वारा तैयार की गई है? जी बिल्कुल नरेंद्र, मुझे अच्छी तरह याद है जब वो दो साल से हम गुजर रहे थे, जब हम सभी घरों में कैद थे और मुझे एक बहुत खूबसूरत सी पंक्तियां याद आ गई कि गरीब के बच्चे भी खाना खा सकें त्योहार में, इसलिए भगवान खुद बिक जाते हैं बाजार में। कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी उन दो सालों में, क्या कहेंगे कितने फीट की मूर्तियां, क्योंकि प्रशासन ने उस वक्त कुछ नियम कायदे लगाए थे, क्या इस बार भी इनको कुछ नियमों से गुजरना पड़ा? दो साल में प्रशासन ने जो नियम लगाए थे अब इस साल भी नियमों में है, प्रशासन ने बनाया था पर छूट दे दी गई है क्रांति प्रिया जी। जी प्रशासन ने छूट दे दी, जी जी अभी प्रशासन ने इसको छूट दे दी गई है क्रांति प्रिया जी। बिल्कुल कुछ लोग मुझे अच्छी तरह याद है अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठे होते हैं सरदारपुर में, जिन मूर्तिकार से आप अभी चर्चा कर रहे हैं वहां पर जितने भी मूर्तिकार उस वक्त, इस वक्त मतलब त्योहारों के समय में जो वहां मौजूद हैं, क्या वो किसी और प्रदेश से आए हुए हैं, किसी और शहर से आए हुए हैं, कुछ ऐसा भी है? मैं चाहूंगी ये जानकारी भी हम ले लेते हैं। नहीं क्रांति प्रिया जी मैं बता देना चाहूंगा कि दिनेश जी मिला रहे हैं जो कि 25 सालों से दसई में ही रहते हैं और दसई में ही मूर्तियां बनाते हैं, हम उनसे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं मूर्तियों के विषय में।
आप कौन कौन से भगवानों की मूर्ति बनाते हैं और कलाकार हैं आप और इतने समय से बना रहे हो, तो दो साल जो बीते हैं, जो दो साल कोरोना के बीते, उसमें किस प्रकार से आपकी दिनचर्या रही है? परेशानी भी उस टाइम तो माल जुटा नहीं पड़ा, मैं थोड़ी वजह से पढ़ा सा नहीं रहा, किराया की बहुत कम रही उस टाइम पे, और अभी थोड़ा कुछ लग रहा है, माहौल बन रहा है, और मेरे को 25 साल हो गए मूर्ति बनाते बनाते, गणपति की और माता जी की बनाता हूँ, लक्ष्मी जी की बनाता हूँ, दीपावली पे लक्ष्मी जी की और माता जी की, जी 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 क्रांति प्रिया जी, दीपावली पर लक्ष्मी जी की साथ ही दुर्गा माता की और गणेश जी की प्रतिमा, तीनों मूर्तियां यहाँ दिनेश जी बनाते हैं। बिल्कुल, यानी ये माना जाए जैसा कि उन्होंने बताया और आपने भी शुरुआत ये की थी कि 20 से 25 साल बल्कि 25 साल से भी ज्यादा का समय हो गया उन्हें इस प्रोफेशन, मुझे लगता है कि आय का आधार, परिवार को चलाने का आधार, मुझे लगता है ये मूर्ति का तैयार किया जाना यही उनका प्रोफेशन भी होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हम पूछ लेते हैं, हम नारे दर्शक भी जानने की इच्छुक होंगे कि इतने लंबे समय से जुड़े हुए इस क्षेत्र में, इसका मतलब ये उनके परिवार की परंपरा रही होगी मूर्ति को गढ़ना और फिर उसे न्योछावर के साथ दे देना ताकि वो पंडालों में विराजित हो जाएं, और अगर घरों में जाना चाहें तो वो मूर्तियां कुछ घरों के लिए भी विशेष रूप से बनाई जाती हैं। जी जी, ये आपके जो परिवार में ये कब से मूर्तियां बनाई जा रही है आपके, मतलब इसमें जो लगन है आपकी? देखा जाए तो काफी समय हो चुका है, 25 साल के आसपास। जी जी, क्रांति प्रिया जी, इनके पिताजी ने यह प्रेरणा दी थी कि मूर्तियां बनाना चाहिए, ये खुद ही एक मूर्ति कलाकार है। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि ये खुद ही माटी कला जो रहता है, माटी कला में इनका अलग ही ईंट बनाना, इसके बाद में मूर्तियां बनाना, मटके बनाना, सभी बनाना, मिट्टी का जो काम है वो सभी ये करते हैं। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए नरेंद्र, शायद एक दो सवाल मैं आपसे और करना चाहूं, लेकिन कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो मूर्तियां यहाँ गढ़ी जाती हैं वो मूर्तियां घरों में भी जाती हैं, लेकिन अभी इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की परंपरा, मतलब मूर्तियां चाहे हम देवी जी की बात करें या गणपति जी की बात करना चाहें, तो इको फ्रेंडली जो मूर्तियां तैयार की जा रही हैं अब घरों, जो हम आम जनता की बात करना चाहें वो भी अपने घर में बना रहे हैं, तो वहीं मैं कुछ ऐसे कलाकारों की बात करना चाहूं जो बाकायदा संस्थानों में उन मूर्तियों को बनाने का प्रशिक्षण भी दे रही है। ऐसी ही एक सदस्य हमारे साथ जुड़ी है, सुषमा साकल्ले। तो मैं चाहूंगी कि अब अगली बातचीत हम मूर्तिकार के बाद हम लिए चलते हैं कलाकार की तरफ, और वो क्या सोचती हैं, वो इस प्रोफेशन में कब से हैं, कितने लोगों को इसका प्रशिक्षण अब तक दे चुकी हैं, और किस तरह से इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की जाती है उनके द्वारा जो आम लोगों के घरों में भी पहुंच जाती है। जी सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सुषमा जी, मैं चाहूंगी कि पहले हम कला आंगन के बारे में बताएं, आपके यहाँ काम करने वाली महिलाओं के बारे में बताएं, और कितने समय में वो मूर्ति तैयार हो जाती है उस अनुभव के बारे में भी चाहूंगी आपसे जानना। जी, कला आंगन एक हैंडीक्राफ्ट संस्था है जहाँ पर हम लोग हाथ से बनी चीजों का उत्पादन करते हैं, मतलब पारंपरिक जितने भी होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित होते हैं, और अभी हमारे महिलाएं करीब 15 से 20 महिलाएं हमारा काम कर रही हैं, और गणेश जी अभी हम लोग तो माटी गणेश बना रहे हैं जिसमें मिट्टी हम लोग खेत से लेकर के उसको छानते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा पल्प मिलाने के लिए बंडी, बाकी गोंद वगैरह नहीं मिलाते, और खेत की मिट्टी को छान मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद फिर हम लोग गणेश जी का हाथों से अपने उसको मूर्त रूप देते हैं गणेश जी का। जो महिलाएं सीख रही वही हम लोग अभी हमारी वर्कशॉप पे भी माटी गणेश रखे गए हैं हाथ से बने हुए, और काफी अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, बिक्री हो रही है हमारी, आज भी हमारी बिक्री गणेश जी की हुई। गणेश जी कितनी महिलाएं आपके साथ काम बना रहे हैं? हाँ, बहुत खूबसूरत मैं देख सकती हूँ, मैं चाहूंगी इसको स्क्रीन पे दिखाइए आप। जी जी जी, सुपारी गणेश जी है जो कि मिट्टी के बनाए हुए, और सुपारी का हमने कुछ बेच दिया है, गणेश आइटम इसमें आप ले सकते हैं। जी, अभी हमारे यहाँ 15 से 20 महिलाएं इस समय काम कर रही है हमारी वर्कशॉप में कलांगन। जी बिल्कुल,
आप चूंकि समाज सेविका भी हैं, कलाकार समाज सेविका, इतने लंबे समय से आप जुड़कर महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा कर देती हैं, रोजगार देती हैं, बिल्कुल मतलब वो जो बार बार बात कहते चले आ रहे हैं कि रोजगार देने लायक बनना है, तो आप उसका बेहतरीन उदाहरण है। उन महिलाओं का भी हम जिक्र करना चाहेंगे जो जिनको आप प्रशिक्षण देती हैं और वो अब अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं। मैं चाहूंगी वो उन महिलाओं का के बारे में आप जरूर बताएं ताकि दूसरों के लिए प्रेरणा बने वो। जी जी, महिलाएं जो काम कर रही है वो अभी इसमें हैंडीक्राफ्ट में काफी अच्छा काम कर रही है, मेहंदी वगैरह जो लगा रही है, कुछ सिलाई का काम कर रही है, पूरे एम्ब्रॉयडरी कर रही है। अभी हमारे साथ में एक बच्ची साथ में बैठी है जो गणेश जी बना रही है, इनका नाम खुशबू है, खुशबू पटेल। ये गणेश जी हाथ से बनाने आई है अपने और ये बना रही है अभी उसमें। तो रोजगार मिलता है महिलाओं को, थोड़ा सा बस ये आप मेहनत करिए। बिल्कुल सुषमा जी, हाँ जी, गणेश जी बनाए मिट्टी के। अरे वाह जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। रोजगार तो हैंडीक्राफ्ट में वैसे भी आप कोई भी हाथ कला है, हाथ की विधा है, उसमें आपको रोजगार तो महिलाओं को मिला है। महिला ऐसे भी अच्छा काम कर रही है, रोजगार अपना खुद कमा रही है, आर्थिक रूप से सक्षम भी हुई है और हमें भी सहयोग करती है, जो भी काम हमारा होता है हैंडीक्राफ्ट में हमें भी सहयोग करती है, समय में भी रोजगार मिल जाता है इस तरह से। जी बिल्कुल सुषमा जी, ये जो मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, क्या हमारे पास, मतलब मैं अगर कलांगन के पास पूछना चाहूं या मैं ये कहूं कि इन महिलाओं, जो महिलाएं काम कर रही हैं आपके यहाँ, ये ऑर्डर के रूप में भी आपके पास आता है क्योंकि ये राशि इन्हीं के घर चलाने के लिए काम आती है? जी जी, ऑर्डर के रूप में काम आता है ये राशि, इनको बराबर जो भी इनकी मेहनत होती है हम देते हैं इन्हें बनाने के लिए, और जो बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं वो भी हम लेते हैं ताकि बच्चे, जो महिलाएं जो बच्चे सीख रही है, जो कमर में जुड़ी हुई है, उनको भी रोजगार मिले। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने सुना है कि बीजेपी सरकार भी इस तरह के जो रोजगार देने वाली महिलाएं हैं, जिस तरह से हम आपकी संस्था की अगर बात करें या आपके प्रयासों की अगर बात करना चाहें, तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि महिलाओं को भी क्योंकि युवाओं के आत्मनिर्भरता की बात तो की ही जाती, महिलाओं के आत्मनिर्भरता की बात पर भी जोर दिया जा रहा है, प्रदेश सरकार इस पर पूरी प्रमुखता से काम कर रही है। जी सुषमा जी, नहीं सरकार तो सहयोग कर रही है, कुछ ये कि महिलाएं आगे आए और जो योजनाएं सरकार की हैं उनको जानकारी लें, चाहे तो हम कलांगन में भी आके जो भी सरकारी योजना उनकी जानकारी हमसे ले सकती है, जो भी मदद हमसे बनेगी उन महिलाओं के लिए हम लोग करेंगे ताकि वो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े और आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी, जुड़े रहिएगा आप, मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगी। मैं अभी अब चलती हूँ, हम उनको गणेश भक्त भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसा परिवार जो कई सालों से गणपति जी को अपने घर में विराजित करता चला आ रहा है, ऐसे कई परिवार हैं, उनमें से हम सारे परिवार को तो अपनी स्क्रीन में जगह नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसे परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सिंह परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है और खासतौर से पूजा नीतीश सिंह इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है खबर भारत के साथ और हम उनसे चर्चा करेंगे। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री गणेश आय नमः। श्री गणेश आय नमः। बताइए कैसी तैयारी की, हम देख सकते हैं आपने खूबसूरत सा वहां पे एक गणपति जी जहां आप रखने वाली, वहां एक इंटीरियर मुझे दिखाई दे रहा, बहुत ही सुंदर, कैसी तैयारी है और इस बार जो गणपति जी आप विराजित वहां करने वाली उस स्थान पर, वो क्या हमने घर पर ही बनाए हैं या कहीं से ये कहा जाए कि आने वाले हैं? जी घर पे ही बनाए हैं, ये सब सजावट जो है हमारे पूरे परिवार ने मिलकर की है, जिसमें बच्चों ने भी अपना योगदान दिया है और ये मैं बोल सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ दर्शकों को, जिससे वह भी अपने घर में आराम से कर सकते हैं। ये जो डेकोरेशन है, ये जो सजावटी, ये साड़ी है और ये चुनरी है, इससे मैंने इनको सजाया है और सीरीज और लाइट तो हमारे घरों में होती ही है, तो ये डेकोरेशन है बड़ा ही सरल तरीके से उनको किया है जो काफी सुंदर लग रहा है, मुझे लगता है। बिल्कुल, परिवार की बात करना चाहें, त्योहार जो होते हैं, पूजा जी आप सहमत होंगी, बिल्कुल हम देख सकते हैं डेकोरेशन कितना खूबसूरत, यहाँ तो पूरी तैयारी हो चुकी है, गणपति जी विराजमान भी हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस वक्त हम स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं वो भोपाल वासी एक भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, पूजा नीति सिंह का वो परिवार है, पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम देख सकते हैं इतना खूबसूरत उन्होंने डेकोरेशन किया, सजावट की है, वाकई अगर वो भगवान
मेहमान हैं और मेहमान का स्वागत जोरदार ही होना चाहिए, शायद ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। पूजा जी, गणपति उत्सव जो होते हैं वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा, उत्सव गणेश जी के साथ ही उत्सवों की शुरुआत हो गई है, तो ये जो होते हैं संयुक्त तो परिवार, मैं चाहूंगी परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी दी जाए, और अगर बच्चों के बच्चों को गणेश की कहानियों के अगर बारे में मैं जानना चाहूँ क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग जानते हैं मतलब हमारे भारतवर्ष में पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और आजकल जो नौकरी पेशा होने की वजह से सब दूर दूर हो गए हैं, ऐसा ही कुछ हमारे परिवार में भी है। हम सभी संयुक्त परिवार से बिलोंग करते हैं, और परिवार के बड़े भैया लोग नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रह रहे हैं, लेकिन हम सभी मिलकर गणेश जी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और इस धूमधाम में सब अपना अपना योगदान तो देते ही हैं। जैसे आप तो देख रहे होंगे मेरे ये दो बालक, इन्हें गणेश जी का सबको कहने की हम बड़ों से ज्यादा उत्सुकता है, और इन्होंने काफी अपनी अपनी मदद दी है हमें। जैसा कि आपने अभी देखा था स्क्रीन पे कि हमने घर में ही इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए हैं, और जिनका विसर्जन भी हम घर में ही करेंगे, और इसमें भी इन बच्चों ने काफी अपना योगदान दिया। जैसा कि आपने कहानी के बारे में बोला, तो हम सभी जानते हैं और कुछ नहीं जानते होंगे तो मैं बताना चाहूंगी कि गणेश जी की एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जो हर माता पिता अपने बच्चों को सुनाते हैं, वो आज ही मैंने अपने बच्चों को बताई, क्योंकि ये इतने समझदार अब मुझे लगे, तो मैंने इन्हें बताया कि गणेश जी और कार्तिकेय जी को शंकर जी और पार्वती जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और बोला कि ब्रह्मांड के चक्कर लगा के परिक्रमा करके आइए। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, और कार्तिकेय जी अपने मोर सवारी पर बैठकर पृथ्वी के परिक्रमा लगाने चले गए। उनका सोचना यह था गणेश जी का कि माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है, मेरी दुनिया है, मेरी पृथ्वी है, और यही मेरे लिए परम पूजनीय है, क्योंकि भगवान तो हमें नजर नहीं आते लेकिन जीते जाते भगवान हमारे माता पिता ही होते। ऐसी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बेहतरीन उदाहरण है, माता पिता पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से ही हर बच्चे की तरक्की का रास्ता, उनकी दुआओं के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छे मौके होते हैं उत्सव, खासतौर से गणेश उत्सव की मैं बात करूं, उनकी इतनी सारी कहानियां हैं जो अगर हम व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो हमें जिंदगी को जीना सिखाती है। उसमें से एक जो खूबसूरत स्टोरी अभी आपने सुनाई जो बताती है कि माता पिता का आदर करना, माता पिता को सर्वप्रथम रखना कितना जरूरी, वही हमारे ब्रह्मांड है। तो बहुत अच्छा लगा, आप जुड़े रहिएगा। अब हम बात करेंगे पंडित जी से, क्योंकि आपने तो गणेश जी की स्थापना कर ली है, कुछ और बहुत से लोग हैं जो अभी इंतजार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि पंडित जी से हम पूजा कैसे विधान होगा, कैसे आरती का सही समय होगा, मूर्ति के जो स्थापना का सही समय क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल बात करेंगे, और किस और जो कहानियां हैं बहुत सारी, जो प्रथाओं की हम बात करें या किंवदंतियों की भी हम बात कर सकते हैं, गणेश की कथाओं की अगर हम बात करें तो बिल्कुल वो कथाएं भी जाननी जरूरी होगी। अगर हम गणेश चतुर्थी का पर्व, जो कि भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और इस साल ये त्योहार आपको बता दें आज 31 अगस्त 2022 बुधवार को मनाया जा रहा है, बुधवार जो कि आज का दिन गणेश जी का दिन भी माना जाता है, और रवि योग है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की जानकारियां भी हम लेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, हमने मूर्तिकार कलाकार और अपने घर में बिठाने वाले उन परिवार के सदस्य से बात की। लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं, रोजाना इनकी पूजा अर्चना की जाती है, मोदक लड्डुओं का उन्हें भोग लगाया जाता है। हम तस्वीरों में आपको बता रहे हैं गणपति जी की, ये जो मूर्तियां हैं ये तैयार हो चुकी हैं, चूंकि मुहूर्त अलग अलग, जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग समय बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो विशेषज्ञ यानी पंडित जी जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है जो लोग अभी अपने घर में गणपति जी को लाना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है शुभम दुबे, जो कि पंडित जी हमारे चर्चा में जुड़ेंगे और हम उनसे अब बातचीत करते हैं। शुभम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मुहूर्त से ही शुरुआत कर लेते हैं कि क्या शुभ मुहूर्त होगा, दिन भर हम ले जा सकते हैं गणपति जी को अपने घर में स्थापित करने के लिए, या कोई एक समय है आज खास? जी,
जी धन्यवाद सभी को गणपति चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भारतवासियों को। मैं कहना चाहता हूँ कि गणेश जी आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन बैठते हैं, लेकिन गणेश जी का जो मुहूर्त होता है वो दोपहर के 12 बजे होता है, मतलब बिना मुहूर्त का भी मुहूर्त होता है, क्योंकि गणेश जी दोपहर के 12 बजे जो है अवतरित हुए थे। और वैसे तो पूरा दिन ही सुबह से शाम तक मुहूर्त है, लेकिन कुछ मुहूर्त मैं बताना चाहूँगा जो कि विशेष हैं। जैसे कि हाँ सुबह 6 से सुबह 6:15 से 9:15 एक मुहूर्त था, उसके बाद दोपहर में 10:45 मतलब 10:51 से 12:30 तक एक दूसरा मुहूर्त था, लेकिन अभी ठीक है। चूंकि दोनों मुहूर्त निकल चुके हैं तो तीसरा हाँ मुहूर्त जो है वो 5:45 से आपको 7:30 बजे तक का भी शुभ मुहूर्त है, अति विशिष्ट मुहूर्त है ये, जिसमें बिल्कुल अमृत काल गोधूलि मेला और लाभ का चौघड़िया इसमें है। जी पंडित जी, तो मतलब ये कहा जाए कि अब सीधे शाम को 5:45 बजे जो स्थापित करना चाहते हैं अपने घर में गणपति जी महाराज को, तो वो बस 5:45 बजे यानी ठीक इस समय पर विराजित कर सकते हैं। अति विशिष्ट मुहूर्त है 5:45 से, लेकिन आप चाहें तो 3:30 बजे से शाम को साढ़े जी सात बजे तक भी बिठा सकते हैं गणेश जी, वो भी बहुत शुभ मुहूर्त है। जी बिल्कुल, हम इसकी भी बात करना चाहेंगे, भोग लगाने से लेकर उनकी जो स्थापित करते वक्त की जाने वाली पूजा, वो विधियां और पूजा की थाल में रखी जाने वाली सामग्री मुझे लगता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे दूर्वा की अगर हम बात करना चाहें, मोदक की अगर हम बात करना चाहें, तो एक पूजा की थाल कैसी होनी चाहिए वो विधान भी बता दीजिए पंडित जी। जी बिल्कुल, मैं इसको शुरू करता हूँ गणेश जी की मूर्ति से लेकर। गणेश जी की मूर्ति जो है वो इको फ्रेंडली मतलब मिट्टी की बनानी चाहिए। इसका एक जी तो कारण ये है कि जो मिट्टी है वो हमारे पर्यावरण के लिए, जब हम सिराते हैं गणेश जी का विसर्जन करते हैं 10 बजे, तो पर्यावरण के लिए हार्मफुल नहीं है। दूसरी हाँ बात यह है कि जब गणेश जी ने महाभारत महाकाव्य जो हमारा है वो लिखा था, तो उन्हें लिखने हाँ में 10 दिन लगे थे। 10 दिन में क्या हुआ कि उनको 1 सेकंड का भी समय आराम करने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि हाँ दुनिया में एकमात्र ही थे जो लिख सकते थे। तो वेद व्यास जी ने उनके शरीर पे जो थकने लगे, तो थकावट दूर करने के लिए उनके शरीर पे मिट्टी लगा दी थी, तो वो मिट्टी जी 10 दिन तक जो सूख, तो जब 10 दिन बाद जो हमारा महाकाव्य महाभारत लिख के पूर्ण हुआ, तो वो मिट्टी जब सूख गई और सूखने के बाद उनको पानी में डाला गया विसर्जन, मतलब उन्हें मिट्टी से साफ किया गया, इसलिए हम गणेश जी का 10 दिन बाद विसर्जन करते हैं। तो जो जैसे पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस या जो मूर्तियां चलती थी जो हार्मफुल है, उसका कहीं भी वर्णन नहीं है। हमें मिट्टी की मूर्ति से भगवान जी बनाना चाहिए, या मिट्टी की मूर्ति के गणेश जी की स्थापन करना चाहिए। एक तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, और दूसरा जी पुराणों के हिसाब से भी ये ठीक है। इसके बाद में गणेश जी के प्रिय फल और गणेश जी की आरती की थाली और पूजा पे आता हूँ। जी तो गणेश जी को जो है वो मोदक मतलब जो लड्डू हैं वो सबसे प्रिय हैं, और गणेश जी को दूबा दूबा गणेश जी को बहुत प्रिय है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं अगर आपको समय हो तो इससे कहानी में बता जी दूंगा जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल एक बार क्या हुआ था, एक जलंधर नाम का राक्षस था, जिसको जिससे गणेश जी की लड़ाई हुई, तो गणेश जी ने उसको निगल गए थे मतलब खा गए थे। तो वो राक्षस जो था वो मुंह से आग उगलता था, तो इसलिए उनको दूबा दी जाती है, ताकि दूबा का जो मतलब नेचर होता है वो ठंडा होता है। तो गणेश जी को हमेशा कोपल दूबा की कोपल चढ़ाई जाए, कई कई लोग होते हैं जो पूरी की पूरी दूबा चढ़ा देते हैं, उसमें गणेश जी को कोपल चढ़ाई जाए, वो उन्हें बहुत प्रिय है। और तुलसी नहीं चढ़ाने का गणेश जी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, उनके और रूपों में मैं चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन पंडित जी मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप जुड़े रहिएगा, हम हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। विनोद चौक से खबरवार से गाडावारा के लिए, गाडावारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरसिंहपुर जिले में गाडावारा, गाडावारा तहसील से विनोद चौक से। तो विनोद जी क्या कहना चाहेंगे आप, वहां के मूर्तिकारों की स्थिति की बात कर लेते हैं, पंडाल की बात कर लेते हैं, और तमाम वो बातें जो पंडाल से जुड़ी हो, जो भगवान से जुड़ी हो, भगवान गणपति से जुड़ी हो। जी विनोद, जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पंडित जी हम थोड़ा सा समय और आपका ले लेते हैं। आपने पूजा का विधान बता दिया, मुझे एक बात याद आ रही है,
उनको प्रथम पूजनीय मानने वाली जो बात होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये जरूर सवाल करते हैं। अभी हमारी जब पूजा जी से बात हो रही थी तो पूजा जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि गणपति जी ने अपने माता पिता को कितना सम्माननीय माना है, और वो एक उदाहरण बने कि माता पिता पूरा ब्रह्मांड होते हैं एक बच्चे के लिए। तो ऐसी कौन सी जो उनकी कथाएं हैं, ऐसी कौन से उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातें हैं जो व्यवहारिक रूप से हमें अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, गणेश जी को प्रथम पूजनीय हमेशा बताया गया है पुराणों में भी, और हमें अगर हम पुराणों से निकल के देखें तो गणेश जी जो है वो एक बुद्धि का रूप है गणेश जी, तो बुद्धि को हमेशा पहले रखा जाना चाहिए। बुद्धि और विद्या दो अलग चीज़ है, आप पढ़ लिख लें वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो बुद्धि होना चाहिए वो सबसे आगे होना चाहिए। तो पुराणों में इसकी कथा इस प्रकार है कि जब शिव जी के द्वारा गणेश जी का सिर काट के और उन्हें दोबारा जोड़ा गया, तो पार्वती जी के कहने पर उन्हें भगवान शिव ने प्रथम पूजनीय का वरदान दिया है कि कुछ भी पूजा होगी, जो भी कहीं भी पहली पूजा होगी, सबसे पहले उन्हें गणेश जी को पूजा जाएगा। दूसरी इसमें इस प्रकार से है कि हमें हमेशा बुद्धि को आगे रखना चाहिए, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है, क्योंकि गणेश जी जो है बुद्धि का रूप है। जैसे अभी हमारी दीदी हैं जो पूजा जी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कहानी बताई कि जब सबसे बोला गया कि दुनिया के चक्कर लगाएं, सबसे पहले कौन लगा के आएगा, तो उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए और कह दिया कि ये मेरी दुनिया है और इनके चक्कर मैंने सबसे पहले, इनकी परिक्रमा सबसे पहले लगा ली। तो इस प्रकार और एक और खूबसूरत सी बात मुझे लगता है पंडित जी याद आई मुझे, बहुत सारी उनकी कथाएं हैं, उन कथाओं में से एक जो बात जो जिक्र हुआ था कि उनका जो सर है वो हथनी के बच्चे का एक सर था, वो भी इसलिए लगाया गया था क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों को पीठ कर कर नहीं बैठती, और ऐसे बच्चे का सर ना लगाया जाए जो मतलब कोई भी माँ से आप उसका बच्चा के अधिकार नहीं छीन सकते, आप उसके बच्चे को नहीं छीन सकते, तो ये एक शर्त रखी थी कि उसी बच्चे का सर लाया जाए जो माँ अपने बच्चे की पीठ कर कर लेटी होगी। तो इत्तफाक से उस समय हथनी जो थी वो अपने बच्चे से पीठ कर कर बैठी हुई थी, शायद मैं सही हूँ पंडित जी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, बस मैं सिर्फ इसको चाह रही थी कि सही करूं कि सही है कि नहीं ये बात। जी बिल्कुल, तो सही कलेजे के टुकड़ों को आपने कलेजे से ही लगा कर रखे, ये भी एक संदेश मिला। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, चूंकि हम चर्चा करना चाह रहे थे उस समय संपर्क नहीं हो पाया था, अब हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है कि नहीं एक बार हम फिर से चेक करते हैं। विनोद चौकसी जी संवाददाता खबर भारत के, विनोद जी आवाज पहुंच रही है? जी थोड़ी तेज वॉल्यूम और कर दी थोड़ा। स्वागत है विनोद जी, बताइएगा क्या है वहाँ पंडालों की हलचल से लेकर मूर्तिकारों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के मूर्तिकारों की अगर स्थितियों पर बात करना चाहूं, अभी हमने एक शहरी क्षेत्र से चर्चा की, ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं हम, ऐसे मूर्तिकार जिनके बारे में जानना, लोगों तक उनकी बातों को पहुंचाना जरूरी है, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी जो खबर भारत के जो हमारे दर्शक है उनको मैं गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं बधाइयां देता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि कल जो तीजा पर्व था, एक दिन पहले से ही गणेश उत्सव की जो तैयारियां रहती है ग्रामीण स्तरों पर पूरी हो जाती है। पहले महिलाओं द्वारा एक दिन पहले ही तीजा पर्व बड़ी भक्ति भाव से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगर शहर ग्रामों में मनाया जाता है, मंदिरों में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही तीजा पर्व बड़ी भक्ति भाव से महिलाओं द्वारा मनाया गया, और ठीक आज दूसरे दिन जो गणेश चतुर्थी का आज प्रारंभ हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि हम कहीं भी चले जाएं, नगर गाड़ावाड़ा का जो शहर है, नगर गाड़ावाड़ा बहुत बड़ी बड़ा शहर है, नगर पालिका है, पूरी हर रोडों पर गणेश की मूर्तियां सजी हुई है। सभी भक्त ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, विकास खंडों से आ रहे हैं गणेश प्रतिमा को लेने, बड़ी बड़ी मूर्तियां इस बार रखाने के लिए भक्त उत्साहित है। अलग अलग पंडालों में तैयारियां चल रही है, चाहे हम चिचली विकास खंड ले लें, चाहे हम साईगढ़ा विकास खंड ले लें, या फिर नगर पालिका गाड़ावाड़ा ले लें, यहाँ सभी मंडलों में तैयारी देखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं छोटे जो ग्रामीण स्तर के जो गांव है वहां पर तो गणेश उत्सव को लेकर, क्योंकि गणेश भगवान का जो है जो पर्व होता है एक बहुत ही उत्साहित पर्व रहता है, क्योंकि गणेश भगवान एक सच्चे भगवान होते हैं, इनसे कुछ किसी को डर नहीं लगता है, और भक्त उत्साहित से इनको पूजा करते हैं, चाहे छोटे पंडाल बना ले या छोटा सा टब बना ले या बड़ा पंडाल बना ले, कहीं भी गणेश की पूजा की जाती है। और कहा भी गाया है
कि गणेश की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि गणेश प्रथम देवता है, सभी उनको मानते हैं, हिंदू धर्म में उनका पहला स्थान है। जी चलिए, बिल्कुल विनोद जी, आपने हमें वहां से प्रस्तुति भी भेजी हुई है, आपने कुछ से चर्चा भी की उस लोगों से, किन से आपने चर्चा की है, मैं एक बार दर्शकों के साथ भी उसे साझा करती हूं। और यहां आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि अगला जो दृश्य है वो हम स्क्रीन पर वो विजुअल्स या वो बातचीत सुनाने वाले हैं जो आपने वहां पर की है। क्या नाम भैया आपका? राजेश मालवी। राजेश भैया, बताएं, आज गणेश स्थापना का पहला दिन है और आप गणपति के बड़े भक्त हैं, क्या आज मूर्ति लेने आए हैं यहाँ पर? हाँ, आज मूर्ति लेने आए हम लोग। हाँ। और मेरे साथ मेरे बच्चे भी आने वाले हैं। हाँ। उत्साहित हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मेरे ज्यादा मेरे छोटे बच्चे उत्साहित, क्योंकि कोरोना काल का जो पिछला साल था उसमें चला गया, तो तरीके से गणेश उत्सव नहीं मना पाए थे। इस साल लोगों में और सभी भक्तों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा। क्या संदेश देना चाह रहे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर और सभी धर्मों के लोग, भगवान गणेश जो है भगवान बुद्ध प्रथम पूजनीय है और प्रथम पूज है, और इस कारण से सभी लोग उनको मिलके आपसी धार्मिक सौहार्द से ये त्यौहार मनाएं, और सब लोग भगवान गणेश सबके ऊपर कृपा करें, सबको बुद्धि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब कुछ मिले। गणपति बाबा मोरिया। आज हम नरसिंहपुर जिला गाड़ापारा तहसील में हम सीधे आज आए हुए हैं एक मूर्तिकार के पास। मूर्तिकार के पास आए, आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ यहाँ पर बन गई हैं। आज गणेश चतुर्थी का आज पहला दिन है और यहाँ से मूर्तियाँ जा रही हैं बड़ी संख्या में। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति भी यहाँ बन रही है। हम सीधा आपको यहाँ के जो मूर्तिकार हैं जो यहाँ पर जो बनाते हैं, हम उनसे सीधी जानकारी लेते हैं कि कोरोना काल के बाद ये पहला अवसर है कि जब गणेश चतुर्थी का पहला दिन है, आज उनको कैसा लग रहा है? और वो थोड़ा लोकेश भैया बताएं कि कोरोना काल के बाद आपका ये पहला अवसर है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी मूर्ति बिक रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही, तो भक्तगण जो है उत्साहित है। लगभग आप कितनी मूर्तियाँ बना देते हैं? मूर्ति बड़ी बड़ी तो 4-5 रहती हैं, और मिट्टी की छोटी मूर्तियाँ रहती हैं, सब मिट्टी की मूर्ति है, जी घास वाली हैं, मुझे फेवर मिट्टी की। इसके बाद आप दुर्गा जी का वो सभी मूर्ति बनाते हैं, तो आप ये बताएं कोरोना काल जो निकल गया उस बार गणेश जी का जो उत्सव आया था उस बार कैसा? बढ़िया था। आपके गणेश कम बने थे मगर बढ़िया था। आपकी मूर्ति निकल गई, तो आप आपकी मूर्ति बनाने में किस किस व्यक्तियों का सहयोग रहता है? घर में सभी लोग लगे रहते हैं। लगभग कितने सदस्य हैं? 7-8। कब से ये काम कर रहे हैं? तो पहले से चला, पीढ़ी दर पीढ़ी। लगभग कितने साल? अब वो तो पहले हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है, फिर भी 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी। हाँ, हो गया। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ावाड़ा का कौन सा वार्ड है? कामड़ वार्ड है। तो यहाँ के जो पार्षद कौन? अच्छा अच्छा, तो हम सीधे कामतपाड़ में आए हुए हैं, इनका हमने इनको आपसे सीधा मिलाया है, इनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी ये काम है गणेश मूर्ति बनाने का, दुर्गा जी की मूर्ति बनाने का। खबर भारत की टीम यहाँ पर आई हुई थी, हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। इनका ये कहना है कि कोरोना काल में भी मूर्ति तो बिकी थी लेकिन कम बिकी थी, गणेश भगवान की बड़ी आस्था रहती है, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मूर्ति लेने आ रहे हैं, तो मैं यहाँ सीधा आपको यहाँ से मिला रहा था। रिपोर्टर विनोद चौकसी। चलिए, सुषमा जी से हम चर्चा करना चाहेंगे, आपने जाना विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो चर्चा कर रहे थे अलग अलग खासतौर से मूर्तिकारों से उन्होंने बात की। सुषमा जी, एक सवाल आपसे रखना चाह रही हूँ, आप भी कलाकार हैं, मूर्तियां बनाती हैं और वो मूर्तियां फिर दूसरों के हाथ में चली जाती है, थोड़ी संवेदनात्मक, इसका प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं, थोड़ा भावनाओं से भरा हुआ ये सवाल है। सुषमा जी, आप सुन रही हैं मुझे? जी जी। उस कलाकार के भाव के बारे में बताइए जब आप मूर्ति को गढ़ती हैं और फिर वो मूर्ति आपके हाथ से निकलकर किसी और के पास जाती है। नहीं, अच्छा है, हम अपनी कला को बाहर दिखा पा रहे हैं, लोग हमारी कला को पसंद कर रहे हैं, भावनाएं भी जुड़ी होती है मूर्ति से, ऐसा नहीं है, पर ठीक है, आगे रोजगार का साधन भी हमें मिलता है और जो खरीद रहा है उन्हें भी खुशी मिलती है हाथ से बनी हुई मूर्तियां हमें मिल रही है। भावना तो लगाव तो हो जाता है, हम खुद भी कोई भी चीज करते हैं हाथ से, तो उसमें भी भावना है, हमारा प्रेम प्यार सब जुड़ा रहता है, पर अच्छा भी लगता है कि हमारे हाथ की बनी चीजें भी सब पसंद कर रहे हैं और
खरीद रहे हैं, तो हमें भी रोजगार मिलता है, जो महिलाएं साथ में काम कर रही है उन्हें भी रोजगार मिलता है, तो भावना तो जुड़ाव हो जाता है। हम कभी भी तलाश करेंगे वही वही कि एक जुड़ाव हो जाता है एक कलाकार का अपनी कृति के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक सवाल मैं आप तीनों दोनों से और करना चाहूंगी, शुभम जी से भी और पूजा जी से भी। मुझे लगता है पूजा जी पहले आपसे पूछ लेती हूँ, ये हमारे जो नन्हे नन्हे दो भगवान के रूप आपके साथ हैं, आपके पुत्र, उनमें से कौन आपको लगता है कि कुछ बातचीत हमारे साथ करेंगे? छोटा सा भजन भी हो सकता है, एक छोटी सी आरती की पहली लाइन भी हो सकती है, गणपति जी का कोई जैसे गणपति बाबा मोरिया ही बोल देंगे, मुझे ऐसा लगता है ये नन्ही जबान से जब ये निकलेगा शब्द माहौल बदल जाएगा। वाह क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि आरती गा पाएंगे बच्चे। वाकई ये संस्कार ही होते हैं और संस्कार देने का काम ये उत्सव ही तो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। पंडित जी आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, बहुत देर से सोच रही थी, दिमाग में ये खलबली सी थी कि भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, उनके लिए न्योछावर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी मूर्तियों के लिए जो हम दक्षिणा, क्या शब्द उसका हम इस्तेमाल करें पंडित जी, आप बताइए ना, जब मूर्ति को लेने जाते हैं हम लोग मूर्तिकार के पास, तो वो क्या होता है जो राशि हम देते हैं उस मूर्ति के बदले? जी बिल्कुल, हमारा धर्म है ही इतना खूबसूरत सनातन धर्म जिससे हर प्रकार के व्यक्ति को लाभ होता है, मूर्ति बनाने वालों को, पूजा करने वालों को, फूलमाला बनाने वालों को, पकवान बनाने वालों को, और तो और लाइटिंग बनाने, आजकल तो लाइट आ गए हैं, पहले तो दिए होते थे, तो लाइटिंग बनाने वालों को, हर प्रकार हर व्यक्ति को लाभ होता है। लेकिन जब हम गणेश भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लेने जाते हैं तो हम भगवान के बदले में उन्हें पैसे नहीं देते हैं, उनकी कलाकृति कला से खुश होकर उन्हें देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है और जिसके कारण हम उन्हें एक कुछ भी नेछावर या कला का सम्मान के रूप में उन्हें जो है वो मुद्राएं देनी चाहिए, मतलब पैसे देने चाहिए। लेकिन हम गणेश जी को कभी खरीद नहीं सकते हैं। अगर ये मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट है तो एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब हम 10 दिन बाद गणेश जी विसर्जित करते हैं तो हम उनकी मूर्ति विसर्जित करते हैं, लेकिन हमें गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपनी जो दोनों पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ उनके सहित हमारे घर में निवास करें और हमेशा आप हमारे घर में निवास करें। हम उनकी सिर्फ मूर्ति विसर्जित करते हैं लेकिन हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारे घर में हमेशा निवास करें। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि कई बार हम महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं, आपने याद दिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे, आप सभी का, हम लोगों से जुड़ने के लिए, खबर भारत परिवार से जुड़कर हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से हम उन सभी का नाम गिनेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे। नरेंद्र पवार हमारे साथ जुड़ते सरदारपुर से, विनोद चौक से, गाडरवारा से सुषमा साकल्ले जी, कलाकार हमारे साथ जुड़ी थी भोपाल से पूजा नितिश सिंह, शुभम दुबे जी, पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इन सभी के धन्यवाद के साथ जाने से पहले एक और खूबसूरत श्लोक कि सिद्धि बुद्धि पते नाथ, सिद्धि बुद्धि प्रदायिने, मायिन माय के भेश्च मोहदाय नमो, यानी भगवान आप सिद्धि और बुद्धि के विशेषज्ञ हैं, माया के अधिपति और भ्रम फैलाने वालों को मिलन में जोड़ा गया है, बार बार आपको नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया।